हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे आप सभी को। तो अभी सुबह का ही टाइम है, बच्चों का पेपर है तो बच्चे जाएंगे 2 बजे से। तो कल आंधी आई थी तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने सोचा कि चाय पी के फिर उसके बाद झाड़ू उठाऊँ और सारा काम हो गया। अब झाड़ू लगाना है और पोछा लगाऊंगी। सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, बालकनी भी धुलनी पड़ेगी, किचन भी धुलना पड़ेगा क्योंकि खिड़कियां खुली थी ना, धूल बहुत ज्यादा आ गई थी। तो जहाँ धुलने लायक है वहां धुल दूंगी, जहाँ पोछा लगाने लायक है वहां पोछा लगा दूंगी। तो चाय तो मैं रख दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाय मेरी बन गई है। घर की हालत दिखा देती हूँ आप लोगों को। इधर टेबल वगैरह तो साफ कर दिए थे, ये सुबह ही साफ कर दिए टेबल और अपने बुक कॉपी साफ कर। तो ये देखिए धूल मिट्टी, इतना ज्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, रोज आंधी आती रहती है। और वहां पे लगी हुई थी मधुमक्खी, तो कचड़ा हुआ था। तो आज मैंने मधुमक्खी का जो छत्ता था ना उसको उठा के फेंक दी, लेकिन फिर से लगा रही हैं, आ गई हैं। तो अभी मैं धुलूंगी ना। तो देखिए सीढ़ियों पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आई हुई है, तो इसको भी साफ करना पड़ेगा। झाड़ू लगा दूंगी, धुलूंगी तो नहीं, फिर एक दिन में बहुत सारा धुलना ना, फिर टंकी का पानी ख़त्म हो जाएगा। और सुबह के टाइम धुल जाए तो ठीक है, डायरेक्ट वाला पानी आता रहता है। सुबह के टाइम इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि सीढ़ियाँ वगैरह धुल लो, तो झाड़ू लगाना रहता है। तो जब काम से फुर्सत होते हैं तो फिर कचरा वगैरह डालने जाते हैं तो फिर लगा देते हैं। और सामने वाली भाभी भी लगा देती हैं, ज़्यादा वही लगाती हैं, मैं बहुत कम लगाती हूँ। जैसे वो नहीं रहती तो फिर मैं लगा देती हूँ, और जैसे तूफान आया है तो फिर ज़्यादा कचरा है तो फिर मैं भी लगा दूँगी। भाभी ऊपर लगा दी हैं और फिर लगाई थी दोनों लोग मिलके, फिर दोनों वो भी लगा रहे थे तो मैं भी लगा दी, तो दोनों लोग लगा दिए तो जल्दी हो गया सीढ़ियों पे। और देखिए कितना धूल आई है, ये खेत से पूरा घर कर रहा है। तो पूरे घर में झाड़ू लगा के उसके बाद पोछा लगाऊंगी। बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी है, तो 2-3 बार आधी आ चुकी है, एक भी बार नहीं धुले थे। और वहाँ पे ना मधुमक्खी लगी हुई थी तो इसलिए और ज़्यादा नहीं धुले। और मैं ज़्यादा बालकनी धुलती भी नहीं हूँ। धूल वगैरह जैसे आधी आती है तो धूल वगैरह तो आ ही जाती है, तब धुलना पड़ता है। मधुमक्खी की वजह से वो भी नहीं धुला गया। तो उसका जो छत्ता लगा था मधुमक्खी का ना, तो मैं डंडे में लगा था तो बहुत बड़ा छत्ता लगा ली थी, तो मैं धीरे से उठाई और बोरी में डाल के बोरी के मुंह पकड़ के ना ले जाके दूर रख के आ गई। और फिर लेकिन वापस आ गई हैं, फिर कूलर के ऊपर लगा ले हैं तो उसको धुआं करके फिर भगाएंगे। और ये बोल रहे थे कि मारना नहीं मारना नहीं। अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं मारूँ, लेकिन फिर भी बालकनी धुले ना तो कुछ जो नीचे गिरी थी तो फिर तो देखिए पानी में जाएंगे तो मर ही जाएंगे। और यहाँ पे 2 चटाई थी, एक दरी थी, सारी गीली हो गई थी, कूलर के ऊपर रखी हुई थी तो बारिश भी हुई थी तो गीली हो गई थी। तो बच्चों ने उठा के ना ऐसे धूप में डाल दिया था, तो मैंने सोचा कि अब ये तो रखना ही है, तो मैं अच्छे से धुल के ना फिर सुखा के उसके बाद फिर रख दूँगी, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ठंडियों में ज़्यादा ज़रूरत लगती है, तो एक चटाई रहेगी बाहर बैठने उठने के लिए, जैसे हम कपड़े वगैरह काटते हैं या नीचे खाना वाना खाते हैं। तो गर्मियों में तो देखिए वैसे ही बैठ लेते हैं, ठंडियों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब कपड़े वगैरह काटते हैं ना तो चटाई की ज़रूरत पड़ती है, तो चटाई बाहर ही रखेंगे। और ये दोनों ना, ये बड़ी वाली चटाई और एक दरी रख देंगे।